भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के बारे में टीआरएस सांसद बीएन गोड़ ने यह कहा है कि हिंदुओं के भगवान बलराम भी सेरोगेसी से पैदा हुए थे। सेरोगेसी का संबंध पौराणिक काल से है, यह केवल आधुनिक विज्ञान की देन ही नहीं है। उनका यह भी कहना था कि देवकी के गर्भ को माया ने रोहिणी में स्थानांतरित किया था। रामायण से लेकर महाभारत तक में सेरोगेसी के कई उदाहरण मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि सेरोगेसी को लेकर लोकसभा में एक रेगुलेशन बिल पारित किया गया है और उसी की चर्चा के दौरान यह बात टीआरएस सांसद बीएन गोड़ ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संस्कृति में सेरोगेसी के कई उदाहरण हमारे ग्रंथों सहित अन्य स्थानों पर मिलते हैं।